यस नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 36। देखो इसमें क्या है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अपने को दिया गया है, ठीक है, और इसके जो है अपने पास यहाँ पर नॉन जीरो सोल्यूशन है, अपने पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और इसके नॉन जीरो सोल्यूशन है। इसका मतलब है कि इसके इन्फाइनाइट सोल्यूशन होंगे तभी अपन इस तरह की बात कर सकते हैं, यहाँ पर नॉन जीरो सोल्यूशन अपने को मिलेंगे। तो इसके लिए अपने को एक्स जेड अपॉन वाई स्क्वायर यानी जो भी सोल्यूशन होगा उनके लिए अपने को यहाँ पर जो है इसका वैल्यू अपने को फाइंड करना है, एक्स जेड अपॉन वाई स्क्वायर निकालना है एक्स वाई जेड के लिए, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है और ये इक्वेशन थ्री है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन यहाँ से वन माइनस टू अपन कर देते हैं। देखो इक्वेशन वन माइनस टू, ऐसा करने से अपने को क्या मिल जाता है, यहाँ पर एक्स माइनस थ्री एक्स यानी माइनस टू एक्स ये कैंसिल हो गया और प्लस फाइव जेड इक्वल टू जीरो। इट मीन्स अपने पास यहाँ पर क्या आ जाता है, टू एक्स इक्वल टू फाइव जेड, अपने पास यहाँ पर ये एक रिलेशन अपने पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अपन क्या करते हैं, यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में टू एक्स की जगह अपन रख देते हैं यहाँ पर कितना, फाइव जेड थर्ड इक्वेशन में। तो ये फाइव जेड प्लस फोर वाई माइनस थ्री जेड इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है कि ये अपने पास यहाँ पर रिलेशन आ जाता है कितना, टू जेड प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो। इट मीन्स ये हो गया जेड प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो यानी जेड इक्वल टू माइनस टू वाई। तो z इन टर्म्स ऑफ y अपने पास है और ये भी अपने पास यहाँ पर z अपने पास यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ x है बेसिकली। तो देखो ये वैल्यू अपन यहाँ इसमें पुट कर देते हैं तो ये क्या आ जाता है, x को z के टर्म्स में मैं रख देता हूँ तो ये कितना आ गया, फाइव जेड बाई टू और इन टू z, और y को z के टर्म्स में अपन माइनस जेड बाई टू, तो माइनस जेड बाई टू इसका होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि रेशियो अपने पास जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये अपने पास यहाँ आ जाता है फाइव बाई टू इंटू फोर, इसका मतलब है कि ये कितना हो गया अपने पास यहाँ पर, ये टेन। तो रेशियो अपने पास यहाँ पर इज 10, देयरफॉर आंसर इज 4, ओके। यस नाउ इन क्वेश्चन नंबर 37, देखो इसमें सेट एस से अपने पास यहाँ पर जो कि उन सभी एक्स को कंटेन करता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं अपने पास यहाँ पर, यानी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन अपने को निकालने हैं जो कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के अकॉर्डिंग है अपने पास यहाँ पर। तो इसके लिए देखो इक्वेशन जो है अपने पास यहाँ पर टू मॉडुलस ऑफ रूट एक्स माइनस थ्री और प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स माइनस सिक्स रूट एक्स और प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, ये है देखो। फिर ये बन जाता है टू मॉडुलस ऑफ रूट एक्स माइनस थ्री प्लस यहाँ पर देखो इसको लिख सकते हैं अपन यहाँ पर कितना, ये बन जाएगा रूट एक्स माइनस थ्री इसका होल स्क्वायर और ऐसा करने पर ये नाइन बैलेंस करने के लिए माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ये अपने आप यहाँ। इट मीन्स अब मैं यहाँ पर इसमें पुट करता हूँ मॉड रूट एक्स माइनस थ्री को टी सब्सिट्यूट कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इन टी, टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, इसके फैक्टर हो जाते हैं टी प्लस थ्री इन टू टी माइनस वन, इसका मतलब है कि वी आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ टी माइनस थ्री एंड वन, माइनस थ्री विल बी रिजेक्टेड बिकॉज दिस टर्म कैन नॉट बी निगेटिव फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसका मतलब है कि टी का एक ही वैल्यू है अपने पास यहाँ पर वो वन, तो रूट एक्स माइनस थ्री इसका मॉडुलस इक्वल टू वन, देयरफॉर रूट एक्स माइनस थ्री इक्वल टू प्लस माइनस वन, देयरफॉर एक्स इक्वल टू फोर मीन्स सिक्सटीन और माइनस वन से ये टू यानी फोर अपने यहाँ पर। तो दीज आर एग्जैक्टली टू वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, मीन्स सेट कंटेंस एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स, देयरफॉर आंसर इज वन, ओके। यस नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 38। इसमें देखें अपने पास यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिसके सोल्यूशन अपने को यहाँ पर फाइंड करना है जीरो से पाई में और फिर सम ऑफ द सोल्यूशन अपने पास विच इज गिवन एज के पाई, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इसके लिए देखो अपने पास यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन है इसमें अपन क्या कर सकते हैं, ये जो एट कॉस एक्स और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है कॉस ए प्लस बी इन टू कॉस ए माइनस बी, तो डायरेक्ट अपन इसका फॉर्मूला लगा दें। देखो एट कॉस एक्स और ब्रैकेट में है कॉस ए प्लस बी इन टू कॉस ए माइनस बी, इट मीन्स कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी एंड माइनस वन बाई टू एज इट इज विच इज इक्वल टू वन, तो ये बन जाता है अपने पास यहाँ पर एट कॉस एक्स कॉस फाइव बाई सिक्स रूट थ्री बाई टू इसका स्क्वायर थ्री बाई फोर माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन बाई टू विच इज इक्वल टू वन, थ्री बाई फोर माइनस वन बाई टू इज वन बाई फोर, तो ये क्या हो गया आपके पास यहाँ पर देखो एट कॉस एक्स वन बाई फोर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका मतलब है कि ये देखो क्या बन गया, ये अपने पास यहाँ पर यहाँ से फोर एलसीएम लेकर अपन इसको और सिंप्लीफाई कर दें, एट कॉस एक्स वन माइनस फोर साइन स्क्वायर एक्स
और डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 1, तो ये 4 से देखो ये कैंसिल हो गया आपके पास। इसको फिर लिखा जा सकता है कितना, 2 cos x, और जो ब्रैकेट के अंदर है इसमें साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस cos स्क्वायर लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स एंड विच इज इक्वल टू 1। तो 3 cos स्क्वायर एक्स, सॉरी 4 cos स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया आपके पास यहाँ पर 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3, और ये बाहर है 2 cos x, तो यानी ये देखो 2 cos x इंटू 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 इक्वल टू 1। तो cos x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू ये बन गया देखो 4 cos क्यूब x और माइनस 3 cos x विच इज इक्वल टू 1, यानी ये बन गया आपके पास यहाँ पर cos 3x, ये फार्मूला हो गया cos 3x का, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इक्वल टू 1, 1 बाई 2, यानी cos 3x इक्वल टू 1 बाई 2। तो यहाँ से जो अपने पास x 0 से पाई है तो 3x 0 से 3 पाई होगा अपने पास यहाँ पर, तो 0 से 3 पाई में इसके सॉल्यूशंस, ये 0 से 2 पाई और ये 3 पाई, तो ये हाफ, दो तो सॉल्यूशन यहाँ से आएंगे और एक सॉल्यूशन यहाँ से आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 3x की जो वैल्यू है वो पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 7 पाई बाई 3। तो x जो होगा आपके पास यहाँ पर कितना, पाई बाई 9, 5 पाई बाई 9 और 7 पाई बाई 9। तो इनका जो सम है अपने पास यहाँ पर कितना हो गया, सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस इक्वल टू अपने पास यहाँ पर कितना, 5, 6 और 7, 13 पाई बाई 9 विच इज इक्वल टू के पाई बाई 9। तो ये अपने के पाई, सॉरी, तो देयरफॉर के इक्वल टू 13 बाई 9, तो देयरफॉर आंसर इज 4। ओके, यस, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है अपने यहाँ से यहाँ पर कि एक बैग में 4 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स है अपने यहाँ से यहाँ पर। देखो अ बैग, इसका जो कंटेंट है अपने यहाँ से यहाँ पर कितना, 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स ये है, इसमें से अपन एक बॉल निकाल रहे हैं यहाँ से, उसका कलर नोट कर रहे हैं और फिर जो है उसको एडिशनल, है ना, 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द सेम कलर उसमें वापस ड्रॉप कर देते हैं अपन, और फिर एक बॉल वापस से ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो सेकंड टाइम पे जो बॉल निकाला जा रहा है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि ये रेड है अपने यहाँ पर, ये अपने को फाइंड करना है। तो इसके लिए देखो यहाँ पर मान लीजिए कि फर्स्ट ड्रॉ की गई बॉल अपने यहाँ पर रेड है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/10। यदि फर्स्ट अपन ने जो बॉल ड्रॉ की यहाँ पर इसमें वो रेड है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 4/10। फिर इसमें देखो अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर जो न्यू कंटेंट हो गया, तो न्यू कंटेंट इसमें 2 रेड बॉल एक्स्ट्रा रख दी, तो इसका मतलब अपने यहाँ पर जो नया कंटेंट हो गया, 6 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स आर देयर बेसिकली, ये कंटेंट हो गया। और फिर अपन यहाँ से इसमें से क्या कर रहे हैं, इसमें फिर एक रेड बॉल अपन ड्रॉ कर रहे हैं वापस से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6/12 आपके पास। सिमिलरली अपने पास यहाँ पर अपन यहाँ, यदि फर्स्ट ड्रॉ की गई बॉल यदि अपने पास यहाँ पर ब्लैक है, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपके पास यहाँ पर, फर्स्ट ड्रॉ की गई बॉल ब्लैक है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 6/10। फिर इसमें हमने इस ब्लैक बॉल को 2 एडिशनल ब्लैक बॉल्स के साथ रख दिया, तो जो न्यू कंटेंट है अपने पास यहाँ पर बैग का वो क्या हो गया, वो 4 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल्स ये हो गया। अब अपन यहाँ से फिर से रेड बॉल ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से सेकंड टाइम, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी अब अपने पास यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 4/12। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास यहाँ पर जो हमें चाहिए, तो वो हो गया देखो 4/10 इंटू 6/12 और प्लस 6/10 इंटू 4/12। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखें, 24 + 24, तो ये 24 इंटू 2 और डिवाइडेड बाय 10 इंटू 12, इसका मतलब ये अपने पास यहाँ पर आ जाता है 2 और ये 5, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज 2/5, देयरफॉर आंसर इज 4। ओके, यस, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 40। इसमें देखो अपने पास यहाँ पर क्या है, कैलकुलस का क्वेश्चन है, इसमें एक फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स आपको दिया गया है और फिर एच एक्स एक फंक्शन डिफाइन कर दिया एफ एक्स बाई जी एक्स से, तो एच एक्स की लोकल मिनिमम वैल्यू अपने को फाइंड कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए देखो आप वही एच एक्स लिख दीजिए यहाँ से, एफ एक्स बाई जी एक्स, तो एफ एक्स बाई जी एक्स, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1/x, ठीक है। ये देखो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक्स माइनस 1/x को टी सब्सिट्यूट कर देते हैं, और क्योंकि एक्स अपने पास यहाँ पर माइनस 1, 0 और 1 नहीं है, तो इसका मतलब है कि टी का वैल्यू अपने पास यहाँ पर क्या हो सकता है, टी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, 0 नहीं होगा और इसके अलावा बाकी टी कोई भी नंबर हो सकता है इसमें।
ठीक है ना, बिकॉज अपने पास यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन एंड ज़ीरो। तो ये देखो अब अपने पास यहाँ पर जब इसको t ले लिया तो ये क्या बन गया अपने पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू टी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कैन बी रिप्लेस बाई टी स्क्वायर प्लस टू एंड दिस इज टी अपने यहाँ पर, इट मीन्स इट बिकम्स टी प्लस टू बाई टी। अब टी प्लस टू बाई टी, टी यदि पॉजिटिव है अपने यहाँ पर फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, एच एक्स मिनिमम अपने यहाँ पर एच एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट टू, टी प्लस टू बाई टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ए एम जी एम अप्लाई करने पर वी आर गेटिंग टी प्लस टू बाई टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू इंटू अंडर रूट ऑफ टी इंटू टू बाई टी विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट टू। देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ टी या एच एक्स इज टू रूट टू अपने यहाँ। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं यदि टी अपने यहाँ पर नेगेटिव है फॉर टी लेस देन जीरो तो एच एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस टू रूट टू। तो दिस इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू, बट इन द क्वेश्चन इट इज आस्क्ड द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एच एक्स एंड विच इज टू रूट टू, देयरफॉर आंसर इज टू। ओके okay?